बॉन्ड को छेड़ा नहीं, इसको भी छेड़ा नहीं, लेकिन यहां पे क्या आ गया डबल बॉन्ड और चार्ज क्या आ गया ऑप्शन पे पॉजिटिव। जरा देखो ऊपर वाले रिंग में भी छह इलेक्ट्रॉन है क्या है, नीचे वाले रिंग कितने इलेक्ट्रॉन है छह। जब इसमें ऐसा हुआ तो दोनों रिंग क्या बन गई आपकी एरोमेटिक। इसलिए ये चार्ज होके भी क्या है भाई मोस्ट स्टेबल। कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है अनचार्ज। फिर इसमें आते हैं चार्ज, तो ये चार्ज होके भी क्या मिलेगी आपको मोस्ट स्टेबल। एरोमेटिसिटी जहां आएगी वहां पे सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। सबसे पहले एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंटरफेरेंस। अब आते हैं सर जब एक से ज्यादा स्पीसी कैसी मिले चार्ज, तो हम कैसे बताएंगे। मान लो आपके पास एक स्ट्रक्चर अनचार्ज थी, आपने उसको बोल दिया समझा रहे स्टेबल है, बाकी चार पांच जो बची है वो कैसी है चार्ज है, तो आप उनमें कैसे बता पाओगे। पहली चीज आप वहां पे कैलकुलेट करोगे, वहां पे देखोगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्या देखोगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या है भाई ज्यादा। मानो जो चार स्पीसी बची ना दो तीन, उनमें किसी के पास कोवेलेंट बॉन्ड चार है, किसी के पास पांच है, तो पांच वाली क्या होगी उनमें से ज्यादा। जितने बॉन्ड बनते हैं, जितने बॉन्ड बनते हैं उतनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज्यादा क्या होती है स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन क्या हो जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सभी में क्या मिल जाए सेम मिल जाए। इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सेम, तो बताओ किसके पास जाओगे ऑक्टेट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे देखो यहां लिखेंगे चेक ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी इस पे। अगर ऑक्टेट सबका क्या मिले सेम मिले तो आप देखोगे चार्ज सेपरेशन, क्या देखोगे चार्ज सेपरेशन, मतलब जो चार्ज जिसकी सी उसमें प्लस माइनस तो होगा ही होगा। आप कोशिश करना कि लाइक चार्ज दूर दूर रहे, लाइक चार्ज कहां रहे भाई पॉजिटिव पॉजिटिव कहां मिले दूर, और जो अपोजिट चार्ज कहां हो पास पास, है ना। अगर आपको अपोजिट चार्ज कहां मिला पास मिला तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी ज्यादा, स्टेबिलिटी क्या रहेगी भाई ज्यादा। और अगर लाइक चार्ज कहां मिला पास मिला, है ना, तो यहां पे स्टेबिलिटी क्या मिलेगी आपको उस स्ट्रक्चर में कम मिलेगी। ये समझ गए क्या। मान लो ये वाली कंडीशन भी क्या मिले आपको सेम मिले, फिर आप कहां जाओगे इफ चार्ज सेपरेशन भी क्या हो जाए सेम, फिर बताओ लास्ट में आप जाते हैं किसके पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ध्यान से सुनना, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम क्या रखना पसंद करता है नेगेटिव। क्या देखेंगे इसमें, देखो वो स्ट्रक्चर जिसमें मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के पास क्या हो नेगेटिव चार्ज, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगी स्टेबल और ज्यादा होगी, ऐसे लिख रहा हूं इसको, ठीक है। अगर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके पास नेगेटिव चार्ज डाल दिया तो वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी कम। इतना आपको अब इसको सीक्वेंस में अप्लाई करना है, फिर से सुन लो जरा। अगर हम दो पांच सात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बैठे और वहां पे देखना चाहते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले किसके पास जाओगे अच्छा, फिर बची कौन सी चार्ज में पहले क्या देखेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके पास ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। रीजन क्या हुआ, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी। अगर कोवेलेंट बॉन्ड क्या मिले सेम, तो आपको ऑक्टेट चेक करना है, ऑक्टेट भी क्या हो जाए सबका सेम, तो आप किसके पास जाओगे लाइक चार्ज बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कहां रहे भाई दूर दूर रहे, तो सही है। अगर वो पास पास है तो स्टेबिलिटी क्या मिलेगी आपको कम, अपोजिट चार्ज बोले तो प्लस माइनस या माइनस प्लस कहां रहने चाहिए पास पास, तो स्टेबिलिटी क्या मिलेगी। उसके बाद अगर चार्ज सेपरेशन से लास्ट में कौन बचा इलेक्ट्रो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी अ नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी क्या मिलेगी कम। अब देखो इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। देखो इधर देखो फर्स्ट एग्जांपल देखना, CH3O CH2 पॉजिटिव, और इस ऑप्शन पे क्या मिला आपको हो गए होगा पक्की बात, ठीक है। इसका अगर हम इसको स्टेबल करें तो ये क्या बनेगा, ये लोन पे यहां आ जाएगा, यहां आते ये क्या बनेगा CH3, ऑक्सीजन पे क्या मिला पॉजिटिव, वो डबल का क्या हो गया सिग्नल और न्यूट्रल भी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड। अब सुनो,
क्या दोनों स्ट्रक्चर चार्ज है? इस पे भी चार्ज क्या था? पॉजिटिव। इस पे भी क्या था? पॉजिटिव। मतलब अनचार्ज वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म। आप किस में आ गए? चार्ज। चार्ज में आते फिरते क्या चेक करोगे? कोवेलेंट बॉन्ड। उधर कितने बने? दो। इधर कितने? तीन। एक दो और तीन। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? है ना, सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्यों? ये हो गई इसकी क्या? स्टेबिलिटी। और रीजन क्या मिला आपको? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मिले आपको?